22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर पूरे देश की साथ साथ भागलपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आयोजन को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वरीय प्रशिक्षक आनंद कुमार, सभी DSP और जिले के सभी थानाध्यक्ष फिजिकल और वर्चुअल मोड में मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन संपन्न कराए जाने की बात करते हुए यह भी निर्देश दिया कि बिना सक्षम पदाधिकारी के कोई भी पूजा समिति किसी भी तरह का आयोजन न कराए। इस दौरान DM ने सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र में सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने की बात कही। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई व्यक्ति आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई करे। विधि व्यवस्था की जिले में स्थिति सामान्य रहे, किसी तरह की कोई कहीं कोई समस्या नहीं हो, इसी को लेकर के सारे पदाधिकारियों के साथ, सिविल साइड के भी और पुलिस के भी, SHO जितने थाना स्तर के पदाधिकारी हैं, DSP CTSP साहब सब लोग, हम लोग SSP साहब सब लोग थे, नौगछिया से भी सारे पुलिस पदाधिकारी और सारे पदाधिकारी सिविल साइड के जुड़े हुए थे। तो इसमें आगे 26 जनवरी भी है, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि जो अयोध्या में एक बड़ा कार्यक्रम होना है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने ये बोला है कि सभी थाना प्रभारी, थाना क्षेत्र में जो भी आयोजन होना है, किसी तरह का कहीं जुलूस निकलता है या कोई धार्मिक अनुष्ठान होना है, तो आयोजक से जो है बात करके उनको प्रॉपर अनुमति दिलवा दें, ताकि थाना को भी पता हो कि कितनी भीड़ कहाँ होनी है, कितना डेपुटेशन होना चाहिए, अतिरिक्त बल की आवश्यकता है तो ससमय लाइन से वहाँ पहुँच जाए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने ये बैठक की है। अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्य सचिव महोदय और DGP सर ने हम लोगों के साथ समीक्षा की थी, तो हम लोगों ने डाउन दी लाइन ये मैसेज दिया है और ज्वाइंट ऑर्डर भी हम लोगों का जल्दी ही निकल जाएगा। तो सारी तैयारी है और बिल्कुल एकदम शांति का वातावरण है और बहुत अच्छे से जो है आगे 26 जनवरी तक और उसके बाद भी हम लोग जो भी जिले में शांति व्यवस्था की स्थिति रहे, इस चीज़ को लेकर के सारा जो हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सब लोग मुस्तैद रहेंगे। आम लोगों से क्या अपील कर रहा नहीं, इसमें आम लोगों से वही है, भागलपुर की बहुत अच्छी जो है, अभी जैसे 3 साल मेरा यहाँ पे हो गया है, लेकिन कभी ऐसा कोई मौका नहीं रहा कि मतलब लोगों का सहयोग ना मिला हो, चाहे कितना भी यहाँ का, जैसे काली पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, या आपदा फ्लड का टाइम आता है, तो लोग काफ़ी समझदार हैं, सब लोग अच्छे से मिलजुल करके रहते हैं। कहीं पे किसी तरह का कोई अगर भ्रम फैलाने का कोशिश करता है, सोशल मीडिया पर कुछ अगर गलत पोस्ट करता है, तो इमीडिएटली पुलिस को बताइए, 112 का यूज़ करिए, हमारे कंट्रोल रूम में बताइए। 1800 से ज़्यादा शहर में कैमरा लगा हुआ है, ICCC के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, तो उस पर पुलिस इमीडिएट कार्रवाई करेगी। हम लोगों के नंबर्स लोगों के पास है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन करके मैसेज करके बता सकते हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना लें। आपको अगर कहीं भी ऐसा कुछ लगता है जो कि नियम के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, तो इमीडिएटली आप प्रशासन को, पुलिस को, स्थानीय थाने को बताएं, हम लोग उस पर इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे। लेकिन मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि जिले में कहीं किसी तरह की कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ जो है, वातावरण बिल्कुल एकदम विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। बस जितने भी आयोजन हो रहे हैं, सभी आयोजकों से मेरी अपील होगी कि कृपया अनुमति प्राप्त कर ले, बिना अनुमति के किसी भी आयोजन की, चाहे वो धार्मिक हो या गैर धार्मिक हो, किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप अगर बिना आवेदन के और आप आयोजन करते हैं और उसके लिए कोई कार्रवाई होती है, तो उसके भागीदार जो है स्वयं आयोजक होंगे। इसीलिए सभी SHOs को भी हम लोगों ने बोल दिया है कि आप पता कर लीजिए अपने थाने में, उसकी लिस्टिंग कर लीजिए कि किस किस तरह का कार्यक्रम अगले 26 जनवरी तक आपके यहाँ प्रस्तावित है, और आयोजकों से विधिवत आवेदन पत्र प्राप्त करके और उसकी जो है अनुमति सक्षम स्तर से, जो SDO के स्तर से होनी है, जिसमें जो है, या जो जिला स्तर से होनी है, वो अनुमति हो जाए, उसके बाद ही कार्य। एक तरफ जहां श्री राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अंग प्रदेश भागलपुर में भी इसको लेकर खुशी देखी जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंग जनपद से भी श्री राम का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अंग क्षेत्र प्रभु श्री राम की मौसी का घर है। त्रेता युग में भागलपुर, मुंगेर व बांका जिला अंग जनपद के नाम से जाना जाता था और यहाँ की राजा थे रोमपाद, जिनकी अवध नगरी के राजा दशरथ से घनिष्ठ मित्रता थी और अपनी साली कौशल्या से राजा दशरथ का विवाह करने में रोमपाद की बड़ी भूमिका थी। दरअसल अंग जनपद के राजा रोमपाद का विवाह कौशल जनपद के नरेश सुकौशल व महारानी अमृतप्रभा की ज्येष्ठ पुत्री वर्षनी से हुआ था और कौशल्या वर्षनी की बहन थी। तब रोमपाद ने अपने
परम मित्र दशरथ से कौशल्या का विवाह करवाया था और इस नाते अंग प्रदेश प्रभु श्री राम की मौसी का घर माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के 8वें, 9वें और 10वें अध्याय में यह वर्णित है। वाल्मीकि रामायण में यह भी वर्णित है कि दशरथ को कौशल्या से एक पुत्री हुई जिसका नाम शांता था। राजश्री की सलाह पर अवध नरेश दशरथ ने इस पुत्री को अपने मित्र रोमपाद को पौष पुत्री के रूप में सौंप दिया था। इसके बाद रोमपाद के सहयोग से राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि व गुरु वशिष्ठ से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसके बाद प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। राजा रोमपाद द्वारा अंग जनपद की राजधानी चंपापुरी में नारायण मंदिर की स्थापना की गई थी, जो अभी भी यहाँ मौजूद है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण व सीता की प्रतिमा है। भागलपुर के चंपानगर के रहने वाले इतिहासकार आलोक कुमार ने बताया कि अंग जनपद प्रभु श्री राम की मौसी का घर होने का साक्ष्य वाल्मीकि रामायण में है और 22 जनवरी को लेकर यहाँ विशेष तैयारियां चल रही है। रोमपाद द्वारा स्थापित किए गए जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया है और इस जगन्नाथ मंदिर को सजा कर यहाँ दीपोत्सव मनाया जाएगा। वहीं पूरे अंग प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव सा माहौल है। रामायण में वर्णित है कि राजा रोमपाद और दशरथ परम मित्र थे और जो सुकौशल नरेश और अवध नरेश दशरथ के बीच में शत्रुता थी, तो दोनों में तो शादी विवाह हो नहीं सकता था। तो कौशल्या यहाँ आई हुई थी अपनी बड़ी बहन बरसनी के घर और दशरथ भी यहाँ आई है तो अपने मित्र के यहाँ, तो राजा रोमपाद ने उसमें भूमिका अदा की और कौशल्या की शादी दशरथ से करा दी, जिससे एक पुत्री हुई शांता, जो कालांतर में उन्होंने गोद ले लिया राजा रोमपाद ने, और उन्हीं का पति था श्रृंगी ऋषि, जो जिनके पुत्रेष्टि के बाद राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इस धरा पे आए। ये पूरे अंग क्षेत्र बोले या पूरी पृथ्वी अभी राम में है, तो हम भी राम में हैं और हम मौसेरे भाई होने के नाते, हमारा पूरा अंगवासी मौसेरे भाई होने के नाते खासा उत्सव में है कि हमारे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उन्हें टेंट से निकाल करके महल में प्रतिष्ठित किया जा रहा है। तो इस उत्सव में पूरा दीपोत्सव हो रही है और पूरे चंपा को लाइट से सजाई जा रही है और उस दिन हम लोग एक भव्य झांकी निकाल रहे हैं जिसमें क्या कहता है भगवान राम के राम दरबार और बहन शांता और राजा रोमपाद दशरथ का रूप झांकी में रहेगी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बाईस जनवरी को होने वाले अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश श्री राममय हो गया है। अयोध्या में 16 जनवरी से ही यह कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, जिसको लेकर पूरे देश के मंदिरों में पूजा पाठ, भजन कीर्तन से लेकर भंडारा तक शुरू हो गया है। इसी बाबत आज भागलपुर की बूढ़ानाथ मंदिर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बूढ़ानाथ मंदिर के महंत ने बताया कि 22 जनवरी की सुबह बूढ़ानाथ मंदिर में 108 पुजारी द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उसके बाद शहर में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा कार्यक्रम के बाद मंदिर प्रांगण में लोक कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा और भव्य भंडारा का आयोजन किया जाएगा। बूढ़ानाथ मंदिर के महंत ने बताया कि इस बार 500 वर्ष बाद फिर से ऐसा संयोग बना है कि हम लोग एक साल में 2 बार दीपावली मना रहे हैं। इस बार जिस तरह दीपावली में रंगोली बनाई जाती है, दीपक जलाए जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती है, उसी तरह इस बार बाबा बूढ़ानाथ मंदिर मैदान में विशाल रावण का दहन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान व्यवस्था प्रमुख राजदीप कुमार राजा, कार्यक्रम प्रभारी मनोज कुमार मिश्रा, अध्यक्ष सांडिल नंदिकेश, अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार, प्रबंधक वाल्मीकि सिंह, उप प्रबंधक दीपक सिंह, मीडिया प्रभारी दीपक कुमार के अलावा मंदिर के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। 22 तारीख के राम जन्मभूमि में राजा रामचंद्र जी के पुनर्स्थापना के शुभ अवसर पे
हम लोग भागलपुर वासी, भागलपुर के भक्तगण सौभाग्यशाली हैं कि बाबा बुद्धेश्वर नाथ प्रांगण से उस उत्सव का हम लोग भी यहाँ आनंद लेंगे। ये मंदिर आप लोगों को पता होगा कि प्रभु राम के गुरु श्री वशिष्ठ देव जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठापित है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे पूज्य महंत जी के नेतृत्व में हम लोग सुबह से रात तक का कार्यक्रम रखे हैं। सुबह 108 पुजारियों के द्वारा हनुमान चालीसा का प्रार्थना किया जाएगा, फिर दोपहर में हम लोग नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। नगर भ्रमण में काफ़ी उत्साहजनक कार्यक्रम रहेगा, उसमें बरेली से हनुमान जी आ रहे हैं, रथ घोड़ा राम जी के परिवार के साथ में मंचन किया जाएगा। शाम में भजन होगा जो कि लोक गायकों के द्वारा गाया जाएगा। उसके पश्चात रात्रि में जो हम लोग आज तक दीपावली में करते आए हैं, हम लोग रावण दहन का स्पेशल कार्यक्रम रखे हैं जो कि बूढ़ानाथ प्रांगण में ही होगा, और दिन भर इस अवसर। भागलपुर की सुल्तानगंज प्रखंड के महेशी पंचायत के कल्याणपुर मोतीचक दियारा में गंगा कटाव में विस्थापित हुए भूमिहीन परिवारों को बिहार सरकार के द्वारा 30 वर्ष पूर्व 70 भूमिहीन परिवारों को पर्चा व अंचल के द्वारा रसीद दिया गया था, लेकिन उस जमीन पर गांव के दबंग विनोद पासवान के परिवारों के द्वारा अवैध कब्जा कर घर बना लिया गया है, जबकि इस मामले को लेकर अंचल अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आदेश देने भूमिहीन परिवारों को घर बनाकर बसाने की बात कहने पर उस जमीन पर भूमिहीन परिवार के जाने पर गांव के दबंग विनोद पासवान के परिवार द्वारा लाठी डंडे से मारपीट कर भगा दिया गया। जब इस मामले की खबर अंचलाधिकारी को देने गया तो जमीन पर बहुत जल्द बसाने की बात कही गई, पर अब तक जमीन पर नहीं बसाया गया है, जिससे भूमिहीन परिवार किसी तरह गंगा किनारे रहने को मजबूर है। इस मामले को लेकर सुल्तानगंज थाना में जनता दरबार में विस्थापित परिवार पहुंचे और कहा कि हमें हमारी जमीन पर बसाया जाए। अंचलाधिकारी रवि कुमार एवं थानाध्यक्ष प्रिरंजन से इस मामले को लेकर गुहार लगाई। वहीं थानाध्यक्ष प्रिरंजन ने बताया कि अंचलाधिकारी रवि कुमार से सोमवार को कार्यालय में मिलकर बात करें, आप लोगों की समस्या का निदान किया जाएगा। समस्या देखिए सर, यहाँ कल्याणपुर ग्राम का जो है ना बस्ती कट गया था, क्या कटाव गंगा से। जी जी, और सरकार द्वारा जो है ना सभी को जमीन 70 आदमी को दिया गया था। कब दिया गया था? 85 के अंतर्गत जो है ना वो कागज पत्र आगे दिया था, 97 में जो है पर्चा मिला था। जी जी, सभी आदमी को रसीद मिल गया है। रसीद मिल गया है, रसीद भी कट रहा है उसका, अंचल से। अंचल से जी, मलगुजारी भी दे चुका है आदमी और दे भी रहा है, रसीद जो है ना बार बार कटा रहा है साले साल, लेकिन रहा है। तो जमीन उसका है, जमीन उसका हकीकत में है या नहीं है वो तो अंचलाधिकारी उसको जो है ना खोजेंगे ना। सरकार आपको दिया है जमीन? सरकार दिया है, पर्चा काट के दिया है, रसीद भी कट रहा है, मलगुजारी सरकार ले रही है, लेकिन अभी तक किसी को बसने ही नहीं देता है वो लोग, स्थानीय लोग जो है, और जबरदस्ती अभी भी घर बना रहा है उसमें। अपने पदाधिकारी के पास गए थे? पदाधिकारी के पास गए, अगले बार भी शिविर में गए थे हम लोग, सीओ साहब क्या बोले कि जाकर के ऑफिस में कागज दे दो, कागज देने के बाद भी जो है ना कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आप लोग कहाँ रह रहे हैं अभी? हम लोग ऐसे जैसे गांव में अभी कट गया है तो जो बचा कुचा जमीन है उसी में बसा बाड़ी बना। हमको जमीन का दिक्कत है बसाने का। जमीन सरकार दिया है ना? हाँ दिया है, मेरा रसीद कट रहा है। रसीद कट रहा है? हाँ, पर्चा भी कट गया। उस जमीन पे क्या हो रहा है? उस जमीन पे दूसरे बगले वाला कर रहा है, नहीं बसने देंगे। कौन लोग है सरकारी में? कौन लोग है? वो है पासवान। पासवान है? हाँ। ओके, कितने घर बना लिया है? दो चार घर बना लिया, 4 या 10 घर ही बने, 2-4 घर बन गया है, बना लिया है। हाँ। आपको बसने नहीं दे रहा है? नहीं। रसीद आपके पास है? हाँ हाँ, मेरे पास जमीन है, रसीद है। तो आपका जमीन पहले कहाँ था? पहले था मेरे कट गया, दिरा में है, गंगा में चले गया। हाँ, गले चला गया। तो सरकार आपको दिया है? हाँ सरकार दिया है।
कितना दिन पहले दिया था? 50 बरस हो गया, आज नहीं हुआ है। 50 बरस? हाँ। और आप बसने नहीं देता है? बसने नहीं देता है। आप सब जगह गए थे? हाँ, सगड़ है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती 24 जनवरी को पटना में मनाई जा रही है। इसको लेकर सुबह से ही हर जिले में खासी तैयारियां देखी जा रही है। इसी बाबत आज भाजपा भागलपुर इकाई की ओर से भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अहम बैठक रखी गई, जिसमें भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा के भागलपुर जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने बताया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती को लेकर हम लोग कई मुद्दों पर कार्यकर्ताओं के बीच वार्ता कर रहे हैं। यहां से हजारों की संख्या में लोग पटना पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। वहीं भाजपा की प्रदेश महिला पनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि इस कार्यक्रम को जदयू अपने कब्जे में लेना चाहती है, लेकिन हम लोग यह हरगिज नहीं होने देंगे। एक तरफ जहां कर्पूरी ठाकुर को जदयू वाले गलत करार देते थे, अब जदयू खुद इन महान हस्ती की जयंती मना रहे हैं। दुगनी खुशी इस बात को लेकर है कि सभी दल के लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। यह एक पिछड़ी जाति के नेता थे जिनके चलते राज्य में कई अहम कार्य हुए जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ऐसे महानायक थे जो बोलते थे कि जो है वो कभी जो है जातिवाद नहीं करते थे, कभी परिवारवाद नहीं करते थे, कभी वंशवाद नहीं करते थे। वो हमेशा गरीबों की बात करते थे, पिछड़ों की बात करते थे मित्रों। लेकिन दूसरी पार्टियां जो हैं RJD और जदयू हमेशा वंशवाद करती है, वो आपका परिवारवाद करती है, भाई भतीजावाद करती है, गरीबों की बात नहीं करती मित्रों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो माननीय प्रधानमंत्री जी जो है गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, जिससे आज हमारे देश के गरीब हमारे पिछड़ों के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाएं। OBC आयोग का संवैधानिक दर्जा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे केंद्र में जो 27% OBC के नेताओं को केंद्र में जगह माननीय प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया मित्रों। पहली बार आरक्षण देने का काम कर्पूरी जी ने किया था, जब हमारा जो ये अब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बने थे तो जनसंघ के समर्थन से ही जो है आपका वो आरक्षण, जो पिछड़ों को आरक्षण मिला। वह लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो कर्पूरी जी जब 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें जनसंघ का भी बहुत अहम योगदान था। कैलाशपति मिश्र जी उस समय के समेत और अन्य जो विधायकगण हैं उनके सपोर्ट से जो जनता पार्टी की सरकार बनी, जनसंघ के ही कारण, उनके सहयोग के ही कारण कर्पूरी जी ने पिछड़ों को 27% आरक्षण का लाभ दिया। और 1978 में जब महिलाओं के लिए भी 2%, फिर गरीब सवर्णों के लिए भी 3-3% और पिछड़ों के लिए 20%, यानी कि कुल 26% का आरक्षण का लाभ उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने दिया, जो कि जनसंघ के समर्थन से जो सरकार चल रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही गरीबों पिछड़ों की हितैषी रही है और जो बिहार में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए जो मुंगेरी लाल कमीशन का जो गठन हुआ था उस समय कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने नौकरी में पिछड़ों को 27% आरक्षण का लाभ देने के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम चलाए थे, इसको जो उन्होंने लागू किया था उसमें भी जनसंघ के विधायकों का उनको सहयोग मिला था। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभिक तौर से बिहार में गरीबों के लिए, SC ST पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो उनको हक हुकूक मिलना चाहिए उसके लिए हमेशा से सहयोग किया है। लेकिन जो पार्टी अपने आप को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, अपने आप को कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी बताते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ परिवारवाद है। 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश श्री राममय हो गया है। अयोध्या में इसको लेकर 16 जनवरी से ही कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं। इसको लेकर पूरे देश के मंदिरों में पूजा पाठ भजन कीर्तन से लेकर भंडारा प्रारंभ हो गया है। इसी बाबत आज अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर अलीगंज ठाकुरबाड़ी मंदिर के प्रांगण में भाजपा भागलपुर इकाई के द्वारा विराट 108 कन्या पूजन एवं कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के अधिकारियों के साथ साथ दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज तो हमको बहुत खुशी हो रहा है कि आज 108 कन्या का सौभाग्य मिला है पूजन करने के लिए। ऐसे 9 साल से तो मैं व्रत करती थी निर्जला, 9 कन्या को जमाती थी, लेकिन आज 108 कन्या का सौभाग्य मिला है, ये बहुत बड़ी। 22 तारीख को
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में 500 वर्षों के बाद पूरा हिंदू का खुशी का दिन और 22 तारीख को माननीय मोदी जी उद्घाटन करेंगे राम मंदिर का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ललायत थे रामलला के लिए, 22 तारीख को रामलला अपने घर में 500 वर्ष के बाद विराजमान होंगे। और मैं आपके चैनल से बहुत बड़ा क्वेश्चन विपक्षी को रखना चाहता हूँ, यदि पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, तो मेरा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है? और मेरी पत्नी को माननीय जिला अध्यक्ष संतोष जी ने सौभाग्य दिया, ये निर्जला व्रत 9 साल से लगातार रखती है, इसके ऊपर देवी शक्ति विराजमान रहती है और 108 कन्या पूजन करने का मौका प्राप्त दिया। मैं संतोष जी का आभारी हूँ। इंजीनियर श्रीकांत, किसान मोर्चा, बीजेपी।